हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि ऐसा हो जाता है तो सरकारी खर्चा कम होगा और विकास कार्यों में गति होगी, जिससे देश ज्यादा गति से तरक्की करेगा। श्री विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आगे क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर एक राष्ट्रीय एक चुनाव हो जाता है तो इसका फायदा होगा तथा 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना है वह और जल्द साकार होगा। वहीं केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने पर विपक्ष द्वारा उठाए सवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि लगता है कि इनकी बुद्धि का दिवाला पिट गया। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान विशेष सत्र कैसे बुलाया जा सकता था। अनिल विज ने कहा कि यह विशेष सत्र पहली बार नहीं बुलाया जा रहा है, पहले भी कई बार बुलाया गया है और विशेष सत्र बुलाना प्रजातंत्र की अच्छी परंपरा है तथा सारे मुद्दे चर्चा के बाद ही पास होते हैं। गौरतलब है कि विपक्षी नेताओं ने एक बयान में कहा था कि कोरोना काल में सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया तो अब विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि खुद भी एक संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है, उनको मालूम नहीं कि सनातन वो होता है जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन चिरकालिक होता है। महाभारत के युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सब राजाओं को मौका दिया था कि वह अपना अपना पक्ष चुन लें। जो कौरवों के साथ जाना चाहते हैं वो कौरवों के साथ चले जाएं और जो पांडवों के साथ जाना चाहते हैं वो पांडवों के साथ जाएं। उसी प्रकार अब जो राजनीतिक अगला महाभारत होने जा रहा है उससे पहले पहले i.in.d.i.a के सभी नेताओं को भी अपना पक्ष चुनना है। उनको बताना है कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ हैं, वास्तविकता के साथ हैं। देखिए अब क्या होता है ये तो पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता और केवल क्यास लगाए जा रहे हैं, परंतु अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है, उसके अतिरिक्त जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं उन कामों में गति आएगी, देश और ज़्यादा गति से आगे बढ़ेगा और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना है वो और जल्दी साकार होगा। पूरी सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नज़र है, कई बार फैसले कर ली गई हैं और बहुत अच्छा आतिथ्य उनको दिया जाएगा। का तो मुझको लगता है बुद्धि का दिवाला पिट गया। कोरोना में जहां एक तरफ तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन में सेशन कैसे बुला लिया जाता, कैसे बुला लेंगे और कौन से स्पेशल सेशन पहली बार बुलाया जा रहा है ये बताएं ना। क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाता? कोई विषय होते हैं और ये प्रजातंत्र की जो बहुत अच्छी परंपरा है कि उनको ऑर्डिनेंसों के माध्यम से जारी ना करके और सेशन बुलाया जाता है और ये प्रजातंत्र में सारे मुद्दे चर्चा के बाद ही पास होते हैं।
ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।